नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके विद प्रदीप शर्मा में। आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉप मोस्ट जीके के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इससे रिलेटेड और वीडियो टाइम टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस साल में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया? ऑप्शन है 1974, बी 1988, सी 1998, डी सन 2000 में। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ए, 1974 में। कब किया था? तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। कहाँ पर किया था बच्चों? राजस्थान के पोखरण में किया था। इस समय भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। ये बात आपको याद रखनी है। अक्सर एग्ज़ाम्स में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। दूसरा, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। इसके बाद भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरण में ही अपना परमाणु परीक्षण किया। इस समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात भी आपको याद रखनी है। कब किया था? 1998 में। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। जो 1998 में जो भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था इसे नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति बच्चों। और जो 1974 में किया था इसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या दिया गया था बच्चों? स्माइलिंग बुद्धा इसे नाम दिया गया था, भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 1857, बी 1905, सी 1942, डी 1900। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1857 में। इससे पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्या? इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1857 में हुई थी। अब मंगल पांडे नामक सैनिक ने गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उन्हें 8 अप्रैल मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, जिसके फलस्वरूप 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी बच्चों? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई 1857 को। अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, जब 1857 की क्रांति हुई इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। क्या आंसर होगा? कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। और इस समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है और आया भी हुआ है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाम्सटेन। क्या था? पाम्सटेन इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला? आपसे पूछा गया है ऑस्कर अवार्ड किस भारतीय फिल्म को मिला है। ए है लगान, बी है रागदेश, सी मिडनाइट चिल्ड्रन, या फिर डी सलाम बॉम्बे। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलाम बॉम्बे इसका सही उत्तर है, डी इसका सही उत्तर है। अब सलाम बॉम्बे के निर्माता और निर्देशक हैं जो हैं वो है
मीरान नायर, मीरान नायर। ये फिल्म कब आई थी? तो ये आई थी 1988 में। कब आई थी बच्चों? 1988 में ये फिल्म आई थी और यह भारतीय फिल्म है। इसे 1988 में सलाम बॉम्बे, जो कि जिसके निर्माता और निर्देशक हैं मीरान नायर, इसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इसे एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एकेडमी अवार्ड भी इसे बोला जाता है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी 1929 में हुई थी। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी बच्चों? तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसे एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। भारत के लिए जो पहला ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था? तो जल्दी से जल्दी बताइए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इसमें मैं अब ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया, भानु अथैया ने। किस मूवी के लिए जीता था? तो किस मूवी के लिए जीता था? गांधी मूवी के लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। इसमें इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और इसके बाद सत्यजीत रे ने भारत के लिए पहला, अगर महिला की बात करी जाए तो भानु अथैया, और भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड भी किसने जीता था? भानु अथैया ने। सत्यजीत रे इन्होंने भी ऑस्कर अवार्ड जीता है। ए आर रहमान इन्हें 2008 में जय हो सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ये गाना स्लमडॉग मिलीनियर, अगर आपने मूवी देखी है तो उस मूवी का यह गाना है, स्लमडॉग मिलीनियर एआर रहमान का। अभी हाल ही में भारत की, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो जल्दी से जल्दी बताइए। हाल ही में भारत की किस फिल्म ने हाल ही में भारत की किस फिल्म ने शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है हाल ही में? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस महाकवि ने रामचरितमानस लिखी है? आपके ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी भवभूति। जैसा कि आप सभी को पता है कि रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तुलसीदास जी। यहाँ से कालिदास की भी कुछ फेमस रचनाएं हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी बताइए कि कालिदास की फेमस रचनाएं कौन कौन सी हैं। शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास जी। कुमार संभव, मल्लिका अग्निमित्रम, और मेघदूतम, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए भी हुए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। कालिदास की फेमस रचनाएं हैं शाकुंतलम, कुमार संभव, मल्लिका अग्निमित्रम और मेघदूतम। शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है। कुमार संभव में शिव और पार्वती की प्रेम कहानी का वर्णन किया हुआ है। और मल्लिका अग्निमित्रम में मल्लिका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय नेता को लौह पुरुष
के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, सी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई है, सरदार की उपाधि दी गई है। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है डल झील, वुलर झील, सूर्य झील, नालसर झील। तो बच्चों जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बच्चों वुलर झील, बी इसका सही उत्तर है। सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है वुलर झील, और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। बच्चों डल झील भी हमारी कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अगर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में भी पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, गोविंद सागर झील। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बच्चों चोलामू झील। और ये कहाँ पर है, ये है सिक्किम में। कहाँ पर है बच्चों, सिक्किम में यह झील है चोलामू झील, जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी बताइए। ए है सत्य का संघर्ष, बी बलिदान, सी निहत्ता आंदोलन या फिर डी अहिंसात्मक आंदोलन। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य के लिए संघर्ष सत्याग्रह का अर्थ है। जल्दी से जल्दी बताइए सत्याग्रह की शुरुआत भारत में किसने की थी, सत्याग्रह की शुरुआत भारत में किसने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी को पता है भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। अगर आपसे सबसे चौड़ी नदी के बारे में पूछा जाए तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तब इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में किस वर्ष महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जल्दी से जल्दी बच्चों इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी चेन्नई। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका सही उत्तर है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में भारत स्थित है। ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। तो किस महाद्वीप में भारत स्थित है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। टोटल कितने महाद्वीप हैं अगर पूछा जाए, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है, सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप,
इसके बारे में कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? अब इन्होंने यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, आप सभी को पता है पानीपत की तीन लड़ाइयाँ हुई थी। कितनी लड़ाई हुई थी? पानीपत में तीन लड़ाइयाँ हुई हैं, तीन लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई 1556 में और तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। अब जौन सी लड़ाई के बारे में आपसे पूछा गया है उसका आप राइट आंसर दे सकते हो, तो ए भी इसका सही उत्तर हो सकता है, बी भी और सी भी। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1556 में और तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच में हुई, या फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन राजा के बीच में हुई थी, और पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन राजा के बीच में हुई थी। जल्दी से जल्दी आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पर्वत श्रृंखला को सात बहनों का घर कहा जाता है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट और डी अरेबियन समुद्र। आज के लिए आपका क्वेश्चन है 13 नंबर का, इसका आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी लता मंगेशकर, सी सरोजनी नायडू, डी अर्चना सोडी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर है। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, भारत की कोकिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि का राजा किसे कहा जाता है? गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी धान। तो कृषि का राजा किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी या डी दोनों में से किसी को भी आप सही आंसर दे सकते हो, बी या डी एक ही बात है। चावल या फिर धान, कृषि का राजा किसे कहा जाता है? तो चावल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जल्दी से जल्दी बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है। तो बी इसका सही उत्तर है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। किस राज्य को पंचशील का जन्म स्थान कहा जाता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली, डी हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है पंचशील समझौते के बारे में, जो कि भारत और चाइना के बीच में हुआ था, पंचशील समझौते के बारे में। तो किस राज्य को पंचशील का जन्म स्थान कहा जाता है? इसका आंसर है बी, बिहार को पंचशील का जन्म स्थान कहा जाता है। और भारत और चीन के बीच शांति और संबंध को बनाए रखने के लिए पंचशील जो समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था बच्चों? 1954 में। इस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर और जो चीन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बारे में भी बच्चों एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। और जो इस समय चीन के प्रधानमंत्री थे वो थे जोउ एनलाई, जोउ एनलाई। पंचशील समझौते का अर्थ क्या है? पांच शांति के सिद्धांत जो कि भारत और चाइना के बीच में हुए थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, सरोजनी नायडू, डी सोनिया गांधी। जल्दी से जल्दी बताइए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने जनगण मन लिखा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह और महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, इन्होंने जनगण मन लिखा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।